वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। टुडे आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। प्रमुख जनजातियां हैं वो किस राज्य में पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, ये सारा डिटेल्स में बताऊंगा। और इस टॉपिक से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो कि ये संविधान में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 366 के अनुच्छेद में दिया गया है कि भारत में जनजातियों का समुदाय अंशों एवं समूहों में है, जो 342 के तहत इसे अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको गुजरात के में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, कौन कौन जनजातियां हैं। गुजरात में जो जनजातियां हैं वो हैं भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया, ये गुजरात की जनजातियां हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो तीन हैं जो प्रमुख हैं, गड्डी या गुड्डी, आप गड्डी भी कह सकते हैं या गुड्डी भी कह सकते हैं, कनोरा, लाहौरी। लाहौली, कनोरा और गुड्डी ये तीन जातियां हैं, हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। जम्मू कश्मीर में है बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, ये जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं। केरल, केरल की जो जनजातियां हैं वो है कादर, उराली, मोपला, इरूला, पनियान, ये केरला की जनजातियां हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियां जो पाई जाती हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां वह भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, मुरिया, बिश्नहार्न, गोंड, वैगा, कोल, मुंडा, ये जनजातियां जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो प्रमुख जनजाति है वो है बारली, बंजारा, कोली, चितवापन, गोंड आदि, ये महाराष्ट्र की जनजातियां हैं। मणिपुरी, मणिपुर की जो जनजातियां हैं कुकी, मैटी या मैथी भी कह सकते हैं, मैटी भी कहते हैं, नागा, अंगामी, ये मणिपुर की जनजातियां हैं। मेघालय की जनजातियां हैं गारो, खासी, जयंतिया, मिकर, ये मेघालय की जनजातियां हैं। अब आते हैं नागालैंड। नागालैंड की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वह नागा है, नबुई नागा, अंगामी, मिकिर, ये नागालैंड की जनजातियां हैं। राजस्थान में भी बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, मीड़ा है, सहरिया है, सांसी है, गरासिया है, भील है, बंजारा है, कोली है, ये राजस्थान की जनजातियां हैं। सिक्किम में केवल एक जनजाति पाई जाती है, लेपचा, ये प्रमुख जनजाति है वहाँ की। तमिलनाडु में बगड़ा, टोटकोडा, कोटा, टोडा, ये तमिलनाडु की जनजातियां हैं। और आसाम की जनजातियां जो हैं, आसाम में जो जनजातियां हैं वो हैं राभा, दिमारा, कोछारी, अबोर, मिकिर, नागा, लुसाई, ये आसाम की जनजातियां हैं। अंडमान निकोबार की जो जनजातियां हैं वो है, अंडमान निकोबार की जो प्रमुख जनजाति है वो केवल है अवजे, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी निकोबारी, ये जनजातियां हैं, ये अंडमान निकोबार की। एक मिथन, मिथन जो त्योहार है ये नागा जनजाति का प्रमुख त्योहार है मिथन। स्टूडेंट ये जो मैं आपको बताया ये भारत की प्रमुख जनजातियां हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताया हूँ, आप इसे याद रखिए और डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स में आपको मिल जाएंगी, भारत की प्रमुख जातियाँ क्या हैं और कौन कौन सी प्रमुख हैं वो डिटेल्स में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी लाभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।